वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। सो फाइनली iOS 11.5 का जो बीटा 1 का जो अपडेट है वो आपके आईफोन्स के लिए अवेलेबल हो चुके। सो टू गेट द बीटा अपडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीटा प्रोग्राम के लिए एनरोल करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन गेट दिस अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटे मोटे तौर पर आपको 6.5 GB के आसपास यहाँ पर जो साइज है वो देखने को मिलता है। सो ये बहुत एक मैसिव साइज के साथ आता है एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरह लिखा गया है कि iOS 11.5 बीटा 1। सो आज के इस वीडियो में इस बीटा 1 में क्या क्या नए फीचर्स दिए गए इसी के बारे में यहाँ पर आपको बातचीत करूंगा, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए मोटे मोटे तौर पर इस अपडेट में ऐसा कुछ मेजर ब्रेक थ्रू अपडेट नहीं है, लेकिन अगेन जो भी है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पर जो गाइस अपडेट है या फिर जो फीचर्स आया है दैट रिलेटेड विद शेयर प्ले। तो लुक शेयर प्ले आपको पता होगा कि iOS 11.4 के साथ ये आने वाला था। इसमें क्या है कि जो आपका एप्पल जो होम पॉड है देने यहाँ पर जो एप्पल टीवी है उसमें आप शेयर प्ले कर सकते थे, लेकिन उस जो फीचर है उसको विदड्रॉ कर दिया गया था विद दी अपडेट ऑफ iOS 11.4। लेकिन इस शेम में यहाँ पर जो शेयर प्ले का फीचर है वो आने वाले इन दी अपडेट ऑफ iOS 11.5। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद दी एप्पल म्यूजिक। तो एप्पल म्यूजिक में आपको पता है कि जो भी गाना आप एप्पल म्यूजिक में सुनते हो उसी चीज़ को आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, उसका यहाँ पर फेवरेट लिस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी एक अपडेट आएगा, सपोज आपका कोई गाना अगर माई फाइल्स में या फिर जो फाइल्स होता है उसमें अगर आपको डाउनलोड किया हुआ है तो उस गाना को पर्टिकुलरली आप अपने एप्पल म्यूजिक में यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो, जो कि हम एंड्रॉयड में करते हो वही सेम चीज़ यहाँ पर आप एप्पल म्यूजिक के साथ भी कर सकते हो। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू गेट ए न्यू ब्राइट वॉलपेपर जो कि आपको इस सेक्शन में देखने मिलेगा। सो अगेन ये अच्छा है कि आपको एक नया एटलीस्ट एक वॉलपेपर देखने मिलता है एंड सेम वॉलपेपर आप यहाँ पर अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो उसमें क्या है कि यहाँ पर वॉच फेस के तौर पर भी उसको आप जो है यूज कर सकते हो। तो इट्स गुड टू सी यू आर गेटिंग ए न्यू वॉलपेपर विद द अपडेट ऑफ iOS 11.5। नेक्स्ट इज क्लॉक में जाके अगर आप स्टॉप वॉच यहाँ पर स्टॉप या फिर स्टार्ट करते हो तो वो अगर आप ऐसे स्वाइप अप कर दोगे तो होम स्क्रीन में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जो डायनेमिक कैलेंडर है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर वॉइस में मैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ स्वाइप अप तो या फिर स्वाइप अप डाउन जो भी है तो वो डायनेमिक कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। तो देखने में थोड़ा सा कूल लगता है, एस्थेटिक वाइज भी अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ जो है स्टॉप वॉच के लिए नहीं होता है। लेकिन अगली बार से ये चीज़ आपको सॉल्व किया जाएगा विद दी अपडेट ऑफ iOS 17.5। एंड ऑब्वियसली गाइस इस बीटा अपडेट के साथ आपका जो फ़ोन का जो स्टेबिलिटी है जो बग्स है एट द सेम टाइम पर जो सिक्योरिटी अपडेट से उसको भी आपको फिक्स किया जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस अपडेट। सो ओवरऑल ये कुछ फीचर्स है जो कि आपको iOS 11.5 का जो बीटा 1 का अपडेट है एज ऑफ नाउ उसमें देखने को मिलेगा। नाउ स्पीकिंग फॉर द डेट कि कब तक यहाँ पर जो iOS 11.5 है उसका ऑफिशियल रिलीज कब तक हो सकता है, तो लुक टुडे इज 3rd of April एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्क गर्मन एंड अकॉर्डिंग टू 9to5 मैक कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ जो अप्रैल है या फिर एंड ऑफ जो अप्रैल है उसमें आपको iOS 11.5 का जो ऑफिशियल जो रिलीज होगा वो आपके सारे आईफोन के लिए देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द iOS 11.5 बीटा 1 अपडेट। लुक अगेन इट इज न्यू फ्रेश बीटा अपडेट, तो इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो फीचर्स है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर आ सकता है पॉसिबली आया है वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपके ऊपर है कि आप बीटा को अपडेट करना चाहते हो या फिर नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन डोंट अपडेट द बीटा क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स एंड इशूज रहते हैं। जो फीचर्स था मैं आपको बता दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वीडियो। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आए, कोई भी चीज़ जानना हो कोई भी चीज़ क्वेरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंटेशन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।